कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन के बारे में, जानेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज कीमतों के बारे में, देखेंगे किस तरह कीमतें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोया प्लांट्स में देखी जा रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड बाजारों में आज के दिन चल रहा है। मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। तो सोयाबीन के दाम की अगर बारे में बात करी जाए, सोयाबीन के दाम मंडियों में लगातार तीसरे दिन कमजोर देखे गए हैं। 50 से लेकर 100 रुपए तक की गिरावट आज भी सोयाबीन के दाम में आई है। घरेलू बाजार में सोयाबीन का बकाया स्टॉक इस वक्त ज्यादा है, जबकि प्लांटों की मांग उतनी अच्छी बाजारों में नहीं देखी जा रही है। शिकागो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में सोयाबीन के जो दाम है वो तेज है, लेकिन तेल मिलों में गिरावट देखी गई है और सोयाबीन की कीमतों में अभी फिलहाल के लिए ज्यादा तेजी आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र में जो लातूर में विजय प्लांट का रेट चल रहा है वो 5250 हो गया है, जिसमें 50 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार आप देख कर चल सकते हैं। धनराज प्लांट की कीमतें 5400 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। कीर्ति के बारे में बात करते हैं। कीर्ति में सोलापुर प्लांट का रेट बाजारों में 5400 रुपए है, जिसमें 80 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। हिंगोली में शिवपार्वती मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। शिवपार्वती प्लांट का रेट बाजारों में आप 5300 देख सकते हैं, जिसमें 150 रुपए तक की गिरावट आई है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 5200 चल रहा है। प्रेस्टीज प्लांट की कीमतें 5250 है। रुचि प्लांट का रेट आप 5175 देख कर चल सकते हैं। कीर्ति प्लांट का रेट 5250 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है और समरे प्लांट की कीमतें बाजारों में 5200 रुपए देखी जा रही है। सोयाबीन में उतार चढ़ाव आने की उम्मीद है, लिमिटेड उतार चढ़ाव आप देख कर चल सकते हैं। एक रेंज बाउंड दायरे पे कारोबार देखने को मिल सकता है। खबरें ये हैं कि निवेशकों की लिवाली कमजोर पड़ने से शिकागो के सक्रिय तिमाही सोया तेल वायदे में 6 सेंट प्रति पाउंड की नरमी आई है, जबकि KLC के सक्रिय तिमाही पाम तेल वायदे में 58 रिंगिट प्रति टन की तेजी आने की खबरें सामने आई हैं। इधर प्लांटों में हल्की फुल्की दिवाली से जलगांव में सोयाबीन 50 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार करी है। इसका रेट बढ़कर 5350 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है और नई सोयाबीन की आवक बाजार में धारणा प्रभावित हो सकती है। आगामी दिनों में आपको सोयाबीन की कीमतों में सीमित तेजी और मंदी देखने को मिल सकती है। एक रेंज बाउंड दायरे पे आप कारोबार सोयाबीन में देख कर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।